सो डियर स्टूडेंट, कई बार हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। बट डाउट ये होता है कि यार ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये प्रूफ कैसे हुआ है वो चीज समझते हैं आज। तो लेट अस सपोज हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, और जैसे कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में जीरो। नाउ इसको सॉल्व करना है, हमको रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं हम, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। बट ये कैसे आया आज हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि जैसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, और जो सी है उसको हम उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का सी। अब इसी में आप एक चीज समझना, यहाँ पर सी हमारा नेगेटिव आ गया ना, ठीक है, एक्स अपना एक तरफ ही है, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है बेटा, 4a की मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 4a ऑन बोथ साइड। गॉट इट? जैसे ही हमने 4a की मल्टीप्लाई करा तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, 4a a स्क्वायर, क्योंकि एक इसकी मल्टीप्लाई करिए, पूरे हमने पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का बी एक्स, और यहाँ पर भी 4a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बन जाएगा। चलो हमारा लगभग हमारा 4ac तो बन गया इसमें। अब इधर देखते हैं, जब 4a की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर में हो तो क्या होगा, 4a एक्स स्क्वायर प्लस का 4ab एक्स इक्वल टू माइनस का 4ac। अब यहाँ पर एक चीज समझना बेटा, 4a क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2a एक्स का होल स्क्वायर, यस या नो? देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ए का स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर दैट इज, ठीक है। इधर देखो बेटा, और 2ax क्या इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर हाँ तो ठीक है बेटा, तो 2ax अगर हमने कॉमन बनाया तो क्या बचा हमारा, 2 बच गया, 2 2 जा 4 ए, और b नहीं बचा तो b बच गया हमारा इधर, इक्वल टू माइनस का 4ac। यहाँ पर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है ना, दोनों साइड बी स्क्वायर एड ऑन कर दो, इधर भी बी स्क्वायर एड ऑन कर दो, इधर भी बी स्क्वायर एड ऑन कर दो। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर इधर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद है ना कि जैसे मैं लिखवाता हूँ कि बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। कई बार हम इसको आगे पीछे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं और 2xy बाद में लिखते हैं। बट रियल फॉर्मूले में जो रियल वे है, जो उसके लिखने का तरीका, वो ये तरीका है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा बेटा x क्या है, पूरा ये 2ax के टर्म है, 2ax प्लस का b क्या है हमारा, दैट इज सिंगल b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? और हमको पता है बेटा, अगर स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, रूट बन जाएगा, ठीक है। रूट बन गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac और 2ax प्लस का बी। और रूट से कभी भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस में आता है, चलो ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू बाहर आई। अब जो प्लस बी है उसको राइट हैंड साइड ले जाना, तो क्या होगा, 2ax इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में, ठीक है। अब ये 2a अगर डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा बताओ, हमारा फॉर्मूला ये तो बन गया क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, हेंस प्रूफ। समझ में बेटा, क्वालिटी के क्वेश्चन को अगर कोई पूछे कि प्रूफ कैसे करना है तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक बेटा?